इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो आपको धर्म पाखंड और अंधविश्वासों से दूर हटाकर विज्ञानवादी तर्कवादी सोच दे सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। आपने देखा होगा कि कै खे गै गै ड़ ड़ च च झ ड़ ट ट ठ ड़ ण ण त ध न ये जितने भी अक्षर हैं, ये जितने भी ये लेटर्स हैं, ये जितने भी अक्षर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब इंसान ने बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं शब्दों में से ही भगवान को भगवान का नाम दिया गया है, जिसे सब भगवान बोलते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि भगवान ने अपना नाम खुद नहीं रखा है, भगवान का जो नाम है वह इंसान ने रखा है। यहाँ तक कि भगवान धरती फाड़कर नहीं निकलते हैं, उनकी मूर्ति को भी इंसान ने ही बनाया है, भगवान नाम भी दिया है, जो भी किया है सब इंसान ने किया है। तो भगवान ने क्या किया है, कौन है भगवान, भगवान को हम कैसे माने कि यह भगवान है, क्योंकि भगवान को बनाने वाले और भगवान को नाम देने वाले तो हम इंसान ही हैं। भगवान ने कुछ खुद से नहीं किया, जो किया इंसान ने किया। विज्ञान भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे हम उसे माने कि वो भगवान है। देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर हर एक तरह के लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए, और अपनी इच्छा अनुसार 50, 100, 200, 500, 1000, 10000 चढ़ाकर कहते हैं मैंने इतना दान किया, मैंने उतना दान किया। लेकिन एक बात आप सोच करके देखिए, क्या भगवान के नाम पर चढ़ाई गई रकम भगवान की जेब में जाती है? क्या भगवान ने कभी आपसे कहा कि आप मेरे मंदिर में आइए? क्या भगवान ने आपसे कभी पैसे मांगे? क्या भगवान ने कभी आपसे कहा कि मेरी पूजा करने के लिए आप सिर्फ मंदिर में आइए? क्या भगवान ने कहा मेरे लिए अगरबत्ती लेकर आना, क्या मेरे लिए फूल लेकर के आना, मेरे लिए पैसे लेकर के आना, मुझे पैसे की ज़रूरत है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या भगवान ने कभी किसी से ऐसी बातें की हैं? क्या भगवान आज तक किसी से कुछ मांगा है? कहाँ सुना है आपने, कहीं देखा है आज तक? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई, यह काम हो गया, मेरा वह काम हो गया, मेरी यह मन्नत पूरी हो गई, मेरा वो काम हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जो आपका काम हो गया क्या भगवान खुद आकर के किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने दिमाग और दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि जो काम आपका हुआ है क्या भगवान ने या खुदा ने खुद आकर के किया है, या फिर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन से पूरा हुआ है, या फिर तुम्हारी कठिन परिश्रम से तुम्हारा काम पूरा हुआ है? भाइयों, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, अब मन से अपने अंदर से भगवान नाम का जो डर है उसे निकालो, बस बहुत हो गया, ब्राह्मणों की झूठी तस्वीर को मिटाओ जो सिर्फ उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। इस बात को पॉइंट आउट कीजिए जो सिर्फ उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाई है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास भगाओ, अपने आप को बचाओ। देवताओं ने सिर्फ राक्षसों को ही हराया है, मुगलों और अंग्रेजों को क्यों नहीं हराया, जो कि हमारे इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़े अभिशाप थे। महिषासुर को मारकर दुर्गा देवी कहलाई, और बलात्कारियों को मारने वाली फूलन देवी डाकू क्यों कहलाई? पहले तो धड़ाधड़ अवतार जन्म लेते थे, शिक्षा का युग आते ही अवतारों की नसबंदी क्यों हो गई? कोई पैदा क्यों नहीं हो रहा है, नया भगवान या कोई नई शक्ति जन्म क्यों नहीं ले रही है? इस बात को आप समझिए कि आस्था ही अंधविश्वास की जननी है। आस्था मूत्र आपको पिला रही है और नारियल का शुद्ध पानी फिकवा रही है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां मिट्टी की मूर्ति को देवी कहकर कपड़ा पहनाया जाता है और जिंदा औरत को नंगा करके घुमाया जाता है।
अफसोस इन बातों का नहीं कि धर्म का धंधा हो रहा है, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि दोस्तों आज की डेट में पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। पिताजी का तो पता नहीं और माताजी की जय जय वारे अंधभक्तों। 9 दिन मिट्टी की मूर्ति के लिए भूखे नंगे रह लेंगे, लेकिन जिस माँ ने 9 माह पेट में पाला उसके लिए भी कभी 9 दिन भूखे रह के दिखाओ। मानसिक गुलाम क्या होते हैं इस बात को समझिए। एडिसन ने बल्ब बनाया ये सारी दुनिया जानती है, भारत भी जानता है, लेकिन ब्रह्मा ने दुनिया बनाई ये केवल भारत ही जानता है, और भारत के भी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं और खूब जोरों से इसका प्रचार करते हैं, और हम जैसे मध्यम वर्गीय गरीब मेहनतकश लोग इन बातों में फंस जाते हैं। ई रॉन्ग नंबर है भाया, ई रॉन्ग नंबर है। महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा है, आप में से राम कौन है, आप में से राम कौन है। पूरी दुनिया में भारत एक ही देश है जहां लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, पाप एक सब्जी को खाने में, दलाली रिश्वत हराम की कमाई खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि दिमाग की बत्ती जलाओ और अंधविश्वास भगाओ। इस देश में अंधविश्वास और पाखंड और ये धर्मवाद इतना ज़्यादा है, यही एक कारण है कि चाइना या चाइना जैसे विकसित देश हमें कभी भी आंख दिखाकर चले जाते हैं। अगर हमारा देश भी टेक्नोलॉजी में साइंस की तरफ आगे बढ़ रहा होता, नॉलेज एजुकेशन पे आगे बढ़ रहा होता, फैक्ट्स एंड ट्रुथ के बेस पर आगे बढ़ रहा होता, तो शायद आज हमारा इंडिया भी डेवलप्ड होता। लेकिन नहीं, हमारे देश के कुछ चुनिंदा लोग जो ब्राह्मण और जो पंडित जिन्हें बुलाया जाता है, या और धर्म के जो सर्वोच्च जो लोग होते हैं, वो बेवकूफ लोगों को बनाए जा रहे हैं। जो आम जनता है, जो मेहनतकश लोग हैं, तो मैं बस लास्ट में इतनी बात कहूंगा कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, सोच विचार करो और अंधविश्वास और पाखंड इस देश से मिटाओ, ताकि ये देश अंधविश्वास पाखंडवाद मुक्त भारत बन सके और ये देश विकासशील देश बन सके और या विकसित देश बन सके। तो मैं प्रशांत बोध अपनी इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो का खत्म करता हूं। अगर इस वीडियो की बातें आपको समझ में आई हो और आपको सही लगी हो, तो इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक कॉन्टैक्ट के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके दिमाग की भी बत्ती जल सके और वो भी पाखंडवाद अंधविश्वास से मुक्त हो सकें। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और जबरदस्त टॉपिक के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद। ये कुछ जरूरी वीडियो है, इनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रशांत बोध और चैनल पे क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चाइना ने आपको आपकी औकात भी दिखाई है। हमने कौन सा साला चाइना को कुछ ले दे थोड़ी रखा है कि हमको उसी का चलाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि रेंट बाहर आ जाएगी इंडिया वालों की। ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। 100-200 चुटिया वाले ब्राह्मण होंगे जो हराम की बैठ के खाएंगे। ये मंदिर मस्जिद और भगवान ये सिर्फ एक धंधा है, एक व्यापार है। अगर मंदिरों में या भगवानों के नाम पर लोगों के बीच में आस्था होती, श्रद्धा होती, तो यहाँ पर फायदे और नुकसान वाली बात ही नहीं आती। लेकिन जो ये खबरें, जो न्यूज आप देख रहे हैं कि इस मंदिर को हुआ 400 करोड़ का नुकसान, इस मंदिर को हुआ इतने करोड़ों का नुकसान, तो इस बात से आपको समझना ही पड़ेगा। मानने ना मानने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मंदिर और ये भगवान ये सिर्फ एक व्यापार है जो कुछ चंद लोगों ने इसको चलाया हुआ है अपने निजी फायदे के लिए। या फिर इस तरह के किसी भी बच्चे को धर्म या फिर किसी ब्राह्मण या पुजारी के पास में लेके जाएं या भगवान के पास में लेके जाएं, तो वो भगवान क्या इस बच्चे को ठीक बना सकता है या ठीक कर सकता है? क्या उसके पास ऐसी शक्ति या ऐसा चमत्कार है
कि वो इस बच्चे की नाक लेके आ सके, वो इस बच्चे के हाथ लेके आ सके, या किसी बच्चे का जो भी अंग गायब है वो उस अंग को लगाकर काम करवा सके? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन अब इस बच्चे को हम विज्ञान के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं कि क्या सर इसका कोई उपाय हो सकता है, क्या ये दोबारा से प्रॉपर वर्क कर सकता है बच्चा? तो जरूर डॉक्टर यही कहेंगे, विज्ञान यही कहेगा कि यस ये बिल्कुल संभव है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।